अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एज द नेम शोज द सेपरेशन विल टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, अब ये आयंस कहाँ से आते हैं, ये आयंस कैसे कौन से हैं, वो रिप्लेस होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, सेम इज द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, जिसमें कि सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपका जो एडसॉर्बेंट है वो सॉलिड होगा और मोबाइल फेज आपकी लिक्विड होगी। स्टेशनरी फेज इज एन, और जो सॉलिड है वो एक आयन एक्सचेंज रेजिन है। मोस्ट ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन्स consist of an insoluble polystyrene organic polymer cross-linked with divinyl benzene। क्या है जो आपका adsorbent है जिसका कॉलम बना हुआ होगा वो क्या है, वो स्टाइरीन का पॉलीमर है, ये स्टाइरीन है। ठीक है, और इसकी पॉलीमराइजेशन से एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, एडिशन रिएक्शन होगा, एन नंबर ऑफ स्टाइरीन मालिक्यूल्स एडिशन रिएक्शन करेंगे विद वन अनदर और पॉलीस्टाइरीन रेजिन बनेगा। इसकी फर्दर क्रॉस लिंकिंग करने के लिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये देखें ये सारी इसकी अवेलेबल साइट्स हैं जहाँ पर आकर के एड्सॉर्प्शन हो सकती है। तो ये स्टाइरीन की क्रॉस लिंकिंग विद डाई विनाइल बेंजीन। ठीक है, तो डाई विनाइल एक है, पॉलीस्टाइरीन भी रेजिन हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो बहुत कॉमन है, जितनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी उतना ही वो कॉम्पैक्ट होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो ग्रेटर हो जाएगा, और उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉस लिंकिंग की वजह से पॉसिबल साइट्स फॉर इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाती हैं। तो पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर क्रॉस लिंक विद डाइविनाइल बेंजीन। ठीक है ना, ये अब इस नीचे भी एक ग्रुप लग गया जिसकी वजह से अब ये क्रॉस लिंकिंग ग्रेजुअली ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये एड्सॉर्बेंट होता है बेसिकली आपके पास आयन एक्सचेंज रेजिन में। तो आयन एक्सचेंज रेजिन कंसिस्ट ऑफ इनसॉल्युबल पॉलीस्टाइरीन ऑर्गेनिक पॉलीमर, नॉर्मली वो क्रॉस लिंक्ड होता है विद अ डाइविनाइल बेंजीन विद अ लार्ज नंबर ऑफ आयोनिक फंक्शनल ग्रुप। अभी जो आपको दिखाया वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ ना, सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, जबकि यहाँ पर हम डिफरेंट तरह की सब्स्टिट्यूशंस भी मौजूद होंगी। कोवलेंटली अटैच टू फ्री फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट इन इट। तो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ, ये जो फिनाइल ग्रुप है, फ्री फिनाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस हो जाते हैं। सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा ग्रुप लगा होगा, वो डिपेंड करेगा कि आइदर अपने कैटायन एक्सचेंज रेजिन है या वो एनायन एक्सचेंज रेजिन है। तो दीज आयोनिक फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एक्टिव ग्रुप। रेजिन में जो आपका एड्सॉर्बेंट है, जो आयन एक्सचेंज रेजिन है, जो स्टेशनरी फेज है, वहाँ पर कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होनी है, एक्टिव साइट्स पर। वो एक्टिव साइट्स कौन सी हैं, जो कि फिनाइल फ्री फिनाइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशंस जो ग्रुप्स लगे हुए कोवलेंटली अटैच्ड ग्रुप्स हैं। द आयोनिक एक्टिव ग्रुप्स आर हाइड्रोफिलिक एंड कैन एक्सचेंज रिवर्सिबली विद अदर आयंस ऑफ सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, ये देखिएगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन में, ये रेजिन है यहाँ, ये रेजिन की उन्होंने शो किया, आर से रेजिन है, यहाँ पे वाई प्लस है और आर वाई, आर प्लस आर वाई। जब अगर ये कैटायन एक्सचेंज करेगा तो हम इसे कहेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और अगर ये पॉलीमर जॉन सा है, ये आपका जो एड्सॉर्बेंट है वो नेगेटिव आयन को एक्सचेंज करेगा तो एनायन एक्सचेंज रेजिन होगा। द आयनिक एक्टिव ग्रुप्स आर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो वाटर लविंग होते हैं, मोबाइल फेज के साथ ये इंटरेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल फेज के साथ वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पर आखिर इनकी जगह अदर कैटायन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रेजुअली उनकी सेपरेशन हो जाएगी जो कि हमारे सैंपल में मौजूद होंगे। एंड कैन एक्सचेंज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबली रिप्लेस हो रहे हैं विद अदर आयंस ऑफ अ सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन व्हिच एक्ट एज अ मोबाइल फेज। In this process, the ions held on a porous and insoluble solids are exchanged with the ions present in the solution when brought in contact with the solid. जो आपका कॉलम है वो बना हुआ है इस रेजिन का, कहता है जब हम उसके ऊपर मोबाइल फेस का इंटरेक्शन कराते हैं तो
मोबाइल फेस में मौजूद जो आपका सोल्यूट सैंपल है जिसको आप सेपरेट आउट करना चाहते हो, वो एक्सचेंज हो जाता है बाय दीज आयंस दैट व्हेन ब्राउट इन कांटेक्ट विद द सॉलिड। तो एक्सचेंज में भी कैटायोनिक और एनायोनिक, तो बोथ की उसने जो है प्रिंसिपल शो किया है, कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन में कैटायन रिप्लेस होगा और ये आपके पास एक्स जो सल्यूट का एडसॉर्बेंट जो सल्यूट था जिसको हम सेपरेट आउट करना चाहते थे वो जाके आपके रेजिन के साथ एडसॉर्ब हो जाएगा। एंड सेम इज द केस विथ एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये इसकी टाइप्स आ गई, आपको अभी हमने देखा कि इसकी एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन, क्रॉसलिंग फिर डाइविनाइल बेंजीन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन के लिए जो हम रेजिन यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन, और एनायन को एक्सचेंज करने के लिए जो हम रेजिन यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या है? कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ये रेजिन की उसने एग्जाम्पल दी है, ठीक है ना। ये R4 रेजिन है, इसके ऊपर जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है वो कैटायन है, तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप और या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये जो कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड का हाइड्रोजन है अनरिप्लेसेबल जो है कैटाइन्स हैं, जो कि आपने जिस भी मेटल को या जिस भी मॉलिक्यूल को जो कि डाइवेलेंट हो सकता है ट्राइवेलेंट हो सकता है तो उनको रिप्लेस करेगा, और हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी RSO3 ट्वाइस और ये एम डाइवेलेंट जो है वो इधर हो जाएगा। सेम इज द केस विद, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाई मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस लिंक पॉलीमर हैविंग सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एंड फिनोलिक ग्रुप एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेजिन एंड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कैटाइन्स एज, ये आप एग्जाम्पल उसने दी है, वेयर RES जो है वो रेजिन इज द बेसिक पॉलीमर ऑफ द रेजिन टू विच इज अटैच द एनायन, इसके साथ अटैच्ड है एनायन एंड द मोबाइल कैटाइन, और इसके साथ जो मोबाइल कैटाइन है वो इसके साथ जो कि मूव हो सकता है, ठीक है ना, मोबाइल कैटाइन जो है वो इसके साथ अटैच है। देन जो आपका रेजिन का सल्फोनिक एसिड ग्रुप है या सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है इज दी सल्फोनेटेड स्टाइरीन इन दी हाइड्रोजन और सोडियम फॉर्म, बोथ फॉर्म में ये अवेलेबल है। वन कैटाइन एक्सचेंज रेजिन इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन किसका बना हुआ है, वो आपका कोई सा सॉल्वेंट है और आपका सोल्यूट का मिक्सर जिसको कि आप प्योरीफाई करना चाहते हो या जिसका आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हो। द मोबाइल और एक्टिव कैटाइन्स ऑफ द रेजिन आर एक्सचेंज विद कैटाइन्स ऑफ द सोल्यूशन। द स्ट्रॉन्ग एसिड कैटाइन एक्सचेंज रेजिन हैज सल्फोनिक एसिड ग्रुप, अगर हमें स्ट्रॉन्ग रैपिड एक्शन चाहिए और स्ट्रॉन्ग कैटाइन की जो आपके पास जो कैटाइन है ये वाला, अगर इसकी इसको हम कहेंगे जब सल्फोनिक एसिड ग्रुप है ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये सल्फर की ज़्यादा एबिलिटी है, ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, हाइड्रोजन आयन जो है तेजी से रिप्लेस हो जाएंगे। अटैच द पॉलीमेरिक मैट्रिक्स वेयर एज वीक एसिड कैटाइन एक्सचेंज रेजेंस एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच टू द पॉलीमेरिक मैट्रिक्स, दस कैटाइन्स एक्सचेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एग्जाम्पल उसने दे दिए कैटाइन्स रिप्लेस होंगे तो आपके पास ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है उसके प्रोटॉन रिमूव होंगे और ये आपके पास ये इन डैट फॉर्म दो मालिक्यूल कौन से हैं उनके दरमियान यहाँ से ये सल्फोनिक एसिड के साथ दो मालिक्यूल्स के दरमियान आपका जो कैटाइन है वो अटैच हो जाएगा एडजॉर्ब हो जाएगा। आर डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसकी ऑर्गेनिक जो बैकबोन होगी ना उसकी रेजिन की। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टू लेफ्ट और राइट बाय इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन और जो भी एक्सचेंजेबल कैटाइन है रिस्पेक्टिवली, रिएक्शन को हमें किधर मूव करना है, अब पहले हमने डिजॉल्व कर लिया फिर अगर हम उसे डिजॉल्व करना है तो उसके लिए हम उसमें फिर अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड HCl डाल दें 0.1 मोलर 0.2 मोलर जितनी भी कंसनट्रेशन का हमें चाहिए, तो वो क्या होगा वो फिर अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये फिर रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पे जाके अगेन हाइड्रोजन आयन इसके साथ इसको रिसाइकल कर देगा रिप्रोड्यूस कर देगा रेजिन को। तो इसलिए ये साइक्लिक स्टडी है, चलता रहता है ये वाला काम और प्योरिफिकेशन होती रहती है,
The strong acid cation exchange reagents are usually supplied in the sodium form. They are treated with concentrated hydrochloric acid solution to convert them into hydrogen form. Thus, ये sodium salt है इसका. हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर देगा सोडियम आयन को. एनायन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा? एनायन में आप क्या है आपके पास के जिस तरह वहां पे था हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप था, तो यहाँ पे क्या लगा है अमाइन ग्रुप है. अमाइन ग्रुप के साथ या जो ट्राइल्काइल अमीन के साथ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और हाइड्रोक्सिल आयन जो सा है ये रिप्लेस होगा विद द एनायन जिसको भी हम प्योरीफाई करना चाहते हैं. तो एनायन एक्सचेंज रीजन में क्या होगा कि इट इज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस लिंक पॉलीमर हैविंग ट्राइल्काइल अमीन डाइल्काइल अमीन और जो आपके पास अल्काइल अमीन है अमोनिया ग्रुप एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रीजन. कि इस रीजन में जो अमाइन ग्रुप है वो इसका एनायन एक्सचेंज को रिस्पॉन्सिबल है रिप्लेस करने के लिए, इसलिए दिस द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस रीजन. एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनायन सच एज क्लोराइड सल्फेट हाइड्रोक्सल एट्सेट्रा कोई सा भी वो कहते हैं वो यहाँ पे कोई इसके क्लोराइड्स भी हो सकते हैं सल्फेट्स भी हो सकते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं. वही बात है जिस तरह हमने कहा था स्ट्रॉन्ग के केस में वो जो है हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा और जब वीक कहेंगे तो हम हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा. तो जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रीजन है तो जो आपके पास द एक्सचेंज रीजन कैन बी एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग बेस टाइप, जितनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रीजन होगा. तो ट्राइल्काइल अमीन जो है वो एक्सचेंज कंटेन ट्राइल वेयर एज वीक जो टाइप है उसमें क्या है डाइल्काइल होगा अल्काइल होगा और जो है वो NH3OH की फॉर्म में ही अवेलेबल होंगे. द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रीजन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनायन सच एज क्लोराइड सल्फाइड हाइड्रोक्सिल एट्सेट्रा को हम रिप्लेस कर सकते हैं. दस एन एनायन एक्सचेंज रीजन कंटेन अ पॉलीमेरिक कैटाइन टू विच एक्टिव एनायंस आर अटैच. दस एन एनायन एक्सचेंज रीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अब ये रीजन है उसका जो अमाइन ग्रुप है ट्राइल्काइल अमीन नाइट्रोजन के ऊपर जब चार वैलेंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये रिप्लेसेबल एनायन आ जाएगा. बी क्या है उसने कहा कि कैटाइन बी पॉजिटिव एंड आर मोबाइल एनायन आर अटैच्ड वेयर एन एनायन एक्सचेंज रीजन इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन द मोबाइल और एक्टिव एनायंस ऑफ द रीजन आर एक्सचेंज्ड फॉर एनायंस ऑफ द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन में मौजूद एनायन है उससे वो रिप्लेस हो जाएंगे. द स्ट्रॉन्ग बेस टाइप एनायन एक्सचेंज रीजन कंटेन्स उसमें क्या है ट्राइल्काइल अमीन होगा वेयर एज वीक बेस एनायन एक्सचेंज रीजन कंटेन अल्काइल ग्रुप की जो अमाउंट है वो जो नंबर्स हैं वो ग्रेजुअली कम होते जाएंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाएगी एनायन एक्सचेंज रीजन. The exchange reaction can be represented as hydroxyl group anion निकल जाएगा और यहाँ पे आकर आपका जो anion है जिसको आप purify करना चाहते हो जिसके आप qualitative quantitative analysis करना चाहते हो वो यहाँ आके इसके साथ adsorb हो जाएगा stationary phase के साथ अपनी affiliation show करेगा. जितनी affiliation stationary phase के साथ ज़्यादा होगी वो उतनी ही देर में elute out होगा. R dash represent the resin and R is the alkali group, usually methyl group. The strong base anion exchange resin are usually supplied in the chloride form, which can be converted into hydroxide form with concentrated sodium hydroxide solution. जो normally वो कहता है वो use होते हैं chloride की form में आते हैं जिस तरह वो sodium salt की form में आते थे ये chloride की form में आते हैं और इसको strong करते हैं उसके बाद हम उसको जो है रिएक्ट करवाते हैं विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किसी भी जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा इस तरह के किसी सॉल्यूशन के साथ तो वो फिर जो है वो स्ट्रॉन्ग हमारे पास एनायन एक्सचेंज रीजन के फॉर्म में वर्कआउट करता है. तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कमर्शली अवेलेबल आयन एक्सचेंज रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंज रीजन
ज़ीरोलिट है, ज़ीरोलिट नाम ZCS, एम्परलिट एंड डॉबेक्स 50, वीक एसिड कैटाइन एक्सचेंज रेजिन ज़ीरोलिट 226, एम्परलिट 50 एंड डूलाइट C63, ये इसके कमर्शियल नेम है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड आयन एक्सचेंज रीजन में क्या है, ज़ीरोलिट FF, एम्परलिट 400, डॉबेक्स A1 एंड वीक बेस एंड आयन एक्सचेंज रीजन जो है ज़ीरोलिट H, एम्परलिट 45 एंड डोलाइट A127। ये अब हमारे पास इनके कमर्शियल नेम है और इनकी जो सी कंपोजिशन है वो जो कि उनका है वो एग्जैक्ट ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये इनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पेटेंट होते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, इसमें फोर या फाइव स्टेप में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। पहले क्या होगा, आपके पास जो एक्चुअल आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म इज थॉट टू बी कंपोज ऑफ फाइव स्टेप्स। नंबर वन में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ द आयन टू द एक्सचेंजर सरफेस, ठीक है। दिस अकर्स वेरी क्विकली इन होमोजेनस सॉल्यूशन। आपने जो भी जो अभी आपकी मोबाइल फेस है, जो होमोजेनस सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा जो रेजिन है उसकी सरफेस पे। डिफ्यूजन ऑफ द आयन थ्रू द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सचेंजर टू द एक्सचेंज साइट, और अब क्या होगा कि वो जो है डिफ्यूजन के बाद ये एक्सचेंज ऑफ द साइट्स विल टेक प्लेस, ठीक है। ये आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज ऑफ द एक्सचेंजर एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। इन दो फैक्टर्स पर इफेक्ट कर रहा है कि सोल्यूशन की कंसनट्रेशन क्या है, ठीक है। सेकेंडली क्रॉस लिंकिंग कितनी ज़्यादा है। दिस प्रोसेस इज थॉट टू बी द फीचर विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ द होल आयन एक्सचेंज प्रोसेस। मैंने कहा था ना यहाँ पे हमने देखे इसके साथ पॉलीस्टायर, इनके साथ डायविनाइल बेंज, इनके साथ क्रॉस लिंकिंग को इंक्रीज किया था। क्रॉस लिंकिंग के इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि जो एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज हो जाती हैं। जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो एक्सचेंज का प्रोसेस भी जो है वो क्विक हो जाएगा। नंबर एक फैक्टर। नंबर दो क्या फैक्टर कहा, कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कितनी अमाउंट में वो सॉल्यूशंस मौजूद हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड कौन सा है वो इनिशली तेज होगा और ग्रेजुअली वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और वो स्लो डाउन होता जाएगा। द प्रोसेस इज थॉट टू बी द फीचर विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ द होल आयन एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज ऑफ आयन एट द एक्सचेंज साइट इज एन इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम प्रोसेस। द मोर हाईली चार्ज द स्पीशीज टू बी एक्सचेंज द टाइटर इट बाइंड टू द एक्सचेंजर एंड लेस रेडली इट इज डिस्प्लेस्ड बाई अदर आयंस। क्या कहता है, अगर जितने नंबर ऑफ वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना टाइटली वो बाइंड करेगा एक्सचेंजर के साथ और उसके लेस रैपिडली इट इज डिस्प्लेस्ड बाई अदर आयन। नेक्स्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ द एक्सचेंज आयंस थ्रू द एक्सचेंजर टू द सर्फेस। डिफ्यूजन ऑफ द एक्सचेंज आयंस थ्रू द एक्सचेंजर टू द सर्फेस, फिर अब हमने उसको एक्सचेंज हो गया और वो डिफ्यूज हो जाएगा आपके रेजिन की सरफेस पे। सेलेक्टिवली एड्सॉर्ब, सेलेक्टिव डिसॉर्प्शन बाय द एलुएंट एंड डिफ्यूज। अच्छा, वो एड्सॉर्ब भी हो गया, डिफ्यूज हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो अब हमें जब उसको हमने एल्यूट आउट करना है, उसको प्योरीफाई करना है, तो अब हमें उसे एलुएंट उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। जो मैंने अभी यहाँ पे पहले पीछे आपसे कहा था कि जब हम उसमें ये देखें ना यहाँ पे, जब हम उसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये पहले सोडियम तो सॉल्ट था, अगर हम यहाँ मैग्नीशियम को अलहदा करना है तो यहाँ पे मैग्नीशियम का आयन जो है वो दो सल्फोनिक एसिड के साथ जो रेजिन का सल्फोनिक एसिड ग्रुप है उनके साथ अटैच होगा। उसके बाद जब हम उसमें HCl डालेंगे तो क्या होगा, एसिड ऐड करेंगे तो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पर अगेन रिप्लेस हो जाएगा और ये मैग्नीशियम ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो ऐसा क्लोराइड जो है वो रिलीज हो जाएगा, एल्यूट आउट हो जाएगा। द सिलेक्टिव डिसॉर्प्शन बाय द एलुएंट एंड डिफ्यूजन ऑफ द स्पीशीज इनटू एक्सटर्नल सॉल्यूशन। द सिलेक्टिव डिसॉर्प्शन ऑफ द बाउंड स्पीशीज इज अचीव्ड बाय चेंज इन पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन और बाय एफिनिटी। तो एफिनिटी की बेस पे, पीएच की बेस पर हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है कि आपका जो कॉलम है उसमें कितने मैक्सिमम आइंस कौन से हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। एंड आयन एक्सचेंज रीजन में बी करेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ आयन एक्टिव ग्रुप, कि कितने उसके ऊपर एक्टिव ग्रुप अटैच हैं। हमने क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव ग्रुप भी इंक्रीज करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द टोटल आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर ग्राम ऑफ द आयन एक्सचेंज रीजन, कि आयन एक्सचेंज रीजन के 1 ग्राम में कितने मिली इक्विवेलेंट जोन से हैं वो एक्टिव साइट्स मौजूद हैं। द एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द कैटायन एक्सचेंज रीजन इज यूजली फाउंड इन द लेबॉरेटरी बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोडियम आयन। सोडियम सॉल्ट का ना सल्फ्यूरिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सोडियम आयन रिप्लेस होंगे, इसका मतलब उतने ही पर ग्राम जोन से आपके हाइड्रोजन आयन जोन से हैं वो उसमें रिप्लेस हो सकते हैं या कोई भी कैटायन इसमें रिप्लेस हो सकता है। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ द सोडियम आयन विच आर एडजॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ द ड्राई रेजन इन दी हाइड्रोजन फॉर्म। हाइड्रोजन फॉर्म में का जो 1 ग्राम है वो कितने हाइड्रो सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, एड्सॉर्ब करेगा, एक्सचेंज करेगा, उसकी बेस पर हम उसकी जो कैपेसिटी है उसको मेंशन कर सकते हैं। कैसे इसको वो कहता है कैलकुलेट करेंगे कि सोडियम क्लोराइड की नॉन कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन है, सपोज 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को हम पास करेंगे कॉलम में से, वो कॉलम किसका बना हुआ है, उस रेजिन का बना हुआ है जिसकी हमने आयन एक्सचेंज कैपेसिटी को डिटरमिन करना है। एंड द एसिड एल्यूटिंग फ्रॉम द कॉलम इज कलेक्टेड एंड टाइट्रेटेड विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली। और जब उसमें जब हम उसे एसिड के साथ एल्यूट आउट करेंगे, उसकी टाइट्रेशन करेंगे तो उसको फिर हम उसको टाइट्रेशन करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, अल्कली के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ठीक है ना। अब पहले क्या सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड क्या करता है, आपका जो कॉलम है उसमें हाइड्रोजन आयन है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएंगे, उनकी जगह वहाँ पे सोडियम आयन जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अब जो हाइड्रोजन आयन है वो नीचे आपके पास मोबाइल फेज में पास ऑन हो जाएंगे, वो जो मोबाइल फेज आएगी उसको हम फिर किसी नॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली के साथ जो है टाइट्रेशन करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और जितने ग्राम हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हुए होंगे पर ग्राम में, पर ग्राम ऑफ जो आपका कॉलम है जिसका रेजन है उसके 1 ग्राम में जितने भी हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे वो उसकी कैपेसिटी होगी। इफ वी एम एल ऑफ द अल्कली सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ एन इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट ऑल द एसिड एल्यूटेड फ्रॉम द रेजिन वेइंग डब्ल्यू ग्राम, देन आयन एक्सचेंज कैपेसिटी इज रिटन एज वी था आपका जो अल्कली सोल्यूशन, इसकी स्ट्रेंथ थी 0.1 नॉर्मल, अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन 10 ml जो है वो यूज हुआ है डब्ल्यू ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट को रिप्लेस करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे दिस इज द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ दैट रेजिन। सिमिलरली द एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ एन आयन एक्सचेंजर इज डिटरमिन्ड बाय पासिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन थ्रू अ कॉलम। अब क्या करेंगे, वो चूंकि एन आयन एक्सचेंज रेजिन है तो हम सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पास ऑन करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन्स ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन एल्यूटिंग फ्रॉम द कॉलम इज फाउंड बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और एसिड रिस्पेक्टिवली, कि अगर हम उसमें जो है यूज करेंगे क्लोराइड की कंसंट्रेशन उसको रिप्लेस करने के लिए तो हम उसे टाइट्रेट करेंगे विद सिल्वर नाइट्रेट, और अगर हम उसमें हाइड्रोक्साइड यूज हुआ हुआ है तो फिर हम यूज करेंगे कोई एसिड उसको टाइट्रेशन करने के लिए। इन दैट वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ आयन आइदर कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एन आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है जी, ये फैक्टर्स, चलें इसको भी हम देख लेते हैं, ज़रा सा आसान सी ही चीज़ है। फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं आयन एक्सचेंज इक्विलिब्रिया में,
तो द फैक्टर्स डिटरमिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस बिटवीन आयन एक्सचेंज रीजन एंड अ सॉल्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयन, कि जो एक्सचेंज हो रहे हैं, सपोज आपने किसको रिप्लेस करना है, जो हाइड्रोजन आयन है, सोडियम आयन है, तो वो कहता है कि रिप्लेसेबल अगर थोरियम है, एलुमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, तो एक्सचेंजेबल जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी, इफ़ वी कंपेयर द हाइड्रेटेड आयन्स ऑफ द सेम साइज, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द आयनिक चार्ज डिस्प्लेड एन इम्पॉर्टेंट आयनिक चार्ज प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल टू डिटर्मिन देयर कैपेसिटी टू अंडरगो एक्सचेंज रिएक्शन. द एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंज विद हाइड्रोजन आयन अमंग कैटायंस हैव बीन फाउंड टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, के जो किस तरह से सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी एक्सचेंज होने की बात, थोरियम की, जितनी कैटायन जो है वो आयनिक चार्ज ज़्यादा होगा उतने ही वो तेजी से रिप्लेस होंगे. दिस इंडिकेट द रीजन प्रेफर्स द आयंस ऑफ द हाईएस्ट चार्ज इन अ सीरीज ऑफ आयंस. ठीक है, तो जो जिसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेजन उसको उतनी ही तेजी से रिप्लेस करेगा. द कैपेसिटी अमंग एन आयंस ऑफ द सेम साइज हैज़ बीन फाउंड टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कि जितना फॉस्फेट जो है वो वही बात है उसमें भी, क्या उसकी जो पार है, जो एनायनिक वैलेंसी है, जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही प्रेफरेबली जो है वो तेज़ी से उसमें रिप्लेस होगा, एक्सचेंज होगा. इफ़ वी कंपेयर द आयंस कैरिंग द सेम चार्ज, पहले क्या था इनका जो है साइज सेम था लेकिन चार्ज वेरी करता था, तो जितनी ज़्यादा चार्ज ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से वो एक्सचेंज होगा. अब सेकेंड क्या ऑप्शन है कि अब सबका क्या है, चार्ज सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू डिटरमिन देयर कैपेसिटी टू अंडरगो एक्सचेंज रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल विद अल्कली मेटल्स द फॉलोइंग ऑर्डर इज फाउंड इन विद कैटायन एक्सचेंज रेजिन फॉर हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज, सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम, सोडियम एंड लिथियम, कि जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से वो जो है कि जो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल द फॉलोइंग ऑर्डर इज फाउंड विद कैटायन एक्सचेंज रेजिन फॉर हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज. हाइड्रोजन आयन की एक्सचेंज जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा है, रिजल्ट्स इंडिकेट दैट आयन विद द स्मॉलेस्ट हाइड्रेटेड रेडियस इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय द रेजिन. स्ट्रॉन्गली हेल्ड, जिसका साइज रेडियस जिसका सबसे कम होगा, सीजियम है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज उसका जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन से हैं, वो नंबर ऑफ चार्ज कौन सा है वो सेम रहता है, अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसका जो रेडियस है वो सबसे कम हो जाता है. दस इन द अबव सीरीज सीजियम का जो आयन है उसका हाइड्रेटेड रेडियस इज द स्मॉलेस्ट and most strongly held in the resin, by lithium whose hydrated radius is the largest is least strongly held. क्या इससे कंक्लूड करना है कि जितना अगर आप कैटायन जो आयन है वो सेम है तो देन जो प्रायोरिटी बेसिस है वो किस बेस पर होगी, साइज की बेस पर. जिस मॉलिक्यूल एटम आयन कंपाउंड का साइज जितना छोटा होगा वो उतनी ही स्ट्रॉन्गली एड्सॉर्ब होगा. अमंग द डबल चार्ज कैटायन, अब क्या है इन सब की, ये था सिंगल कैटायन के केस में था, अब डबल में भी क्या है जो है वो कैपेसिटी फाउंड टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर जो है वही सेम ही होगा कि साइज जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्गली वो एब्जॉर्ब होंगे. अमंग द यूनिवेलेंट एनायन द कैपेसिटी हैज बीन फाउंड टू डिक्रीज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, आयोडीन सबसे बड़ा है, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, नाइट्रिल क्लोराइड. इफ द एक्टिव पॉलीवेलेंट आयन इन अ रीजन इज टू बी एक्सचेंज विद एन आयन ऑफ लोअर वैलेंसी द एक्सचेंज हैज बीन फाउंड टू बी फेवरेबल मच हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अगर एक्टिव पॉलीवेलेंट आयन रेजिन में जो है वो एक्टिव साइड जो है वो पॉलीवेलेंट मल्टीवेलेंट अवेलेबल है, तो फिर आयन ऑफ लोअर वैलेंसी द एक्सचेंज हैज फाउंड टू बी फेवरेबली मच कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो जिसकी लोअर वैलेंसी होगी जिस आयन की वो उसको वो प्रेफरेबली फेवरेबली जो है वो एक्सचेंज करेगी उसकी हायर कंसंट्रेशन की बेसिस पर. नेचर ऑफ द आयन एक्सचेंज रीजन क्या है,
The quality of an ion exchange resin is determined by its ion exchange capacity. पढ़ा ना हमने आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या थी, V इंटू एन ओवर W, कितने जो है ग्राम जो आपका रेजिन है वो कितने लीटर कितनी किस कंसेंट्रेशन के जो एसिड या बेस है उसको टाइट्रेट करेगा. तो ऑन डैट बेसिस वी आर एबल टू कैलकुलेट द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आयन एक्टिव ग्रुप्स पर यूनिट वेट ऑफ द रेजिन. द ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्टिव साइट द ग्रेटर कैपेसिटी. The efficiency of the resin has been found to be depend upon the degree of cross linking. That is, greater the cross linking, greater will be the resin will be the efficient. The experimental setup उसका भी ऐसा ही होता है जैसा कि हमने column chromatography में पढ़ा था. बस वहाँ पे जो column है adsorbent silica gel की बजाय क्या है, resin है. resin की क्या differentiation है कि वहाँ पे वो कोई सी भी पोर्स हो सकती हैं, वो माइक्रो पोर भी हो सकती हैं, नैनो पोर भी हो सकती हैं. तो यहाँ पे क्या है, उसने जो पोर्स हैं उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है विद द आयन एक्सचेंज के साथ. ये रेजिन इस पूरे को हम कॉलम कहेंगे. ये रेजिन पास का उसका बेड बनाएंगे रेजिन से. इसका सोल्यूशन जिसके अंदर मोबाइल फेज है आपका सोल्यूट है वो पास ऑन होगा और विद द जो अफिनिटी है एडजॉर्बेंट की सोल्यूशन की एडजॉर्बेंट के साथ ऑन डैट बेसिस यहाँ पे एक्सचेंज विल टेक प्लेस होगा. आयंस की एक्सचेंज जो है वो टेक प्लेस होगी. द रेजिन क्या है जल्दी, द कॉलम मेथड इज एम्प्लॉयड. द अपैरेटस यूज्ड इज कंसिस्ट ऑफ ग्लास कॉलम फिटेड विद द ग्लास वूल, पिछली दफ़ा की तरह ही है. और एट द लोअर एंड ऑर्डनरी ब्यूरेट को भी हम यूज कर सकते हैं. The resin to be used should have small particle size. This provide large surface area for contact between the solution and the resin. जितना active sites ज़्यादा होंगे, जितना small size होगा उतना ही active sites ज़्यादा होंगे. Slurry of the resin is made with distilled water and any fine particles are removed by decantation. Tube is filled with distilled water and is drained via the stopcock until the plug is virtually free of the any air bubble. The stopcock is then closed and the tube is filled to about 3/4 full distilled water. The slurry of fully swollen resin is poured along the wall of the tube so that the resin bed of about 15 millimeter in volume is obtained. The setting of the resin may be promoted by gentle tapping of the tube, care being taken so that no air bubbles are formed in the packed column. Same is the case jaise humne column ka padha. Packing of the column, however, the level of the water must never be allowed to fall below that of the surface of the resin. Otherwise, the resin may dry up and channel will be formed and bhai uske mein cracks aa jayenge. In such cases, there will be incomplete contact hoga solution ka resin ka. To hamara jo sa exchange hai wo proper nahi hogi. The sample is applied on the top of the column using water as solvent or buffer aqueous solution of suitable pH. Alluvium is brought about by passing more solvent through the column. It is to be noted that in preparing ion exchange column, the resin must be fully hydrated with deionized water, because if it is put on the column in the dry form, the swelling pressure when water is added may burst the column. Application of ion exchange chromatography ki application kya hai ji? Separation of similar ions from one another. Ion exchange chromatography is used to separate similar ions from one another because the different ions undergo exchange reaction to different extent. Lithium, sodium, potassium can be separated by passing their solution through the cation exchange. Subsequently, 0.1 normal HCl के साथ जब हम treat करेंगे तो उसको भी हम elute out करना चाहते हैं कर सकते हैं. Similarly, anion exchange chromatography is used to separate the mixture containing chloride, bromide, iodide. पैदा करने के लिए हम यूज करते हैं. मिक्सचर सॉल्यूशन इज पास थ्रू अ बेसिक आयन एक्सचेंजर. सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन हैज बीन यूज्ड एज एलुएंट एंड 0.5 नॉर्मल सोडियम नाइट्रेट इज यूज्ड. क्लोराइड आयंस विल कम फर्स्ट इन द एलुएंट, जिसका साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही जो है वो स्ट्रॉन्गली जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद फिर वो ल्यूट आउट हो जाएगा बाय जब हम उसे एसिड के साथ ट्रीट करेंगे.
इंटरफेरिंग रेडिकल्स को भी रिमूव करने के काम आता है। जब हमारे पास ये जब हम हार्ड वाटर की बात करते हैं तो डिफरेंट आयंस आते हैं, चाहिए नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। इंटरफेरिंग रेडिकल्स में क्या है कि अगर हमने कैल्शियम या बेरियम को एस्टिमेट करना है आयंस बाय द ऑक्सलेट और सल्फेट मेथड, फॉस्फेट आयन इज़ फाउंड टू बी इंटरफेयर। आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट या सल्फेट है या बेरियम ऑक्सलेट और सल्फेट है, तो इसमें उसके सैंपल में अगर फॉस्फेट मौजूद है तो वो इंटरफेयर करेगा। देयरफॉर इट्स रिमूवल बिकम नेसेसरी, विच इज़ अचीव्ड बाय पासिंग द सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम आयंस हैविंग फॉस्फेट आयंस थ्रू द सल्फोनिक एसिड कैट आयन एक्सचेंज। कैल्शियम और बेरियम आयन कैट एक्सचेंज हाइड्रोजन आयन, वाइल द फॉस्फेट आयन विल पास एज सच थ्रू द कॉलम। तो जो अब आपके पास जब आप सोल्यूट आउट करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन कैल्शियम या बेरियम का जो आएगा उसके अंदर फॉस्फेट मौजूद नहीं होगा, और आपको जिस भी आपने इंस्ट्रूमेंट पे उसको एनालाइज करना है आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, के जो हार्ड वाटर है वो कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होता है, कार्बोनेट उसके बाई कार्बोनेट की वजह से होते हैं। दीज आयंस मे बी रिमूव बाय पासिंग द हार्ड वाटर थ्रू कैटायन एक्सचेंज रिएक्शन। तो कैटायंस जो हैं वो इसमें से रिमूव हो जाते हैं और आपके पास ये कैटायन जो जाके यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर जो वाटर पास ऑन होगा वो हार्ड नहीं होगा। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिटेन इन द कॉलम वेयर अस सोडियम आयन पास इन टू द सोल्यूशन। दी सोडियम आयन आर हार्मलेस फॉर वॉशिंग पर्पज एंड आफ्टर यूजिंग द आयन एक्सचेंज है फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम इनएक्टिव। तो इनएक्टिव को जब हमने इसको रिवाइव करना है, इसको रिसाइकल करेंगे, परकोलेट करेंगे कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ, तो अगेन हमारे पास जो रेजिन है उस वो रीजनरेट हो जाएगा। रेजिन जो है वो रीजनरेट हो गया और कैल्शियम आयन जॉन्स है वो डिजॉर्व हो जाएगा। और इसी तरह से हार्ड वाटर के बाद अगर हम जिस प्रोसेस को जितनी कंसिस्टेंसी से और जितने फाइन तरीके से पास ऑन करेंगे तो वाटर की कंप्लीट डीमिनरलाइजेशन हो सकती है। रिक्वायर द रिमूवल ऑफ कैटाइन एज वेल एज एनाइन। वाटर इज फर्स्ट पास टू द एसिडिक कैटाइन एक्सचेंजन विद व्हेन द मेटालिक कैटाइन आर एक्सचेंज बाय हाइड्रोजन आइन। द वाटर ऑब्टेन्ड इज देन पास टू द बेसिक एनायन एक्सचेंज रेजिन, तो उसमें जो क्लोराइड नाइट्रेट सल्फेट है वो भी पास ऑन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन विच पास इनटू सॉल्यूशन इन एक्सचेंज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस कंबाइन टू फॉर्म अनायनाइज्ड वाटर। जनरली सल्फोनिक एसिड रेजिन इज एम्प्लॉयड एज द कैटायन एक्सचेंजर, व्हाइल अ स्ट्रॉन्ग बेसिक रेजिन इज एम्प्लॉयड एज द एनायन एक्सचेंजर। और इसको हम यूज करते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को भी सेपरेट आउट करने के लिए आयन एक्सचेंज रेजिन क्रोमेटोग्राफी। दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये आज हमने कंप्लीट देख किया है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या है, एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैपेसिटी क्या है, किन फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे और उसकी में प्रायोरिटी किस फैक्टर की होगी, कैटायनिक की या एनायनिक की, सेम साइज है तो डाइवेलेंट की, ट्राइवेलेंट की, टेट्रावेलेंट की, एट्सेट्रा। और उसके बाद फिर लास्ट में उसका सेटअप कैसे बनता है और उसकी एप्लीकेशंस, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और फॉर एनी प्रॉब्लम अगर आपको कुछ भी यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन इवन कॉल मी। जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।